हेलो जी, हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू दिव्यांशु डिस्कवर्स। पहली बात तो इस वीडियो में आपका स्वागत है सबका। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकाऊ के वीजा के बारे में। क्या हमें एक्चुअली में मकाऊ का वीजा चाहिए, क्या हमें हांगकांग का और मकाऊ का वीजा चाहिए। हांगकांग से रिलेटेड वीडियो मैंने पहले बना चुका हूं मैं, पर मकाऊ के बारे में मैंने उसमें कुछ बात नहीं करी थी। तो इसमें हम बात करने वाले मकाऊ से रिलेटेड, मैंने वापस वही सारा का सारा लिखा हुआ है अभी इसमें, जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूं। थोड़ा बहुत हांगकांग के बारे में भी लेटेस्ट न्यूज दूंगा लास्ट में कि कैसे कैसे क्या क्या अप्लाई करते हैं, क्योंकि लोगों को उसमें भी इश्यूज आ रहे थे, क्योंकि कितना टाइम लगता है, क्या होता है, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो लास्ट में बताऊंगा। पहले बात करते हैं मकाऊ के बारे में। मकाऊ कहाँ पे है? मकाऊ है चाइना में। 1999 तक पोर्टुगल रूल में था, उसके बाद वो चाइना के अंडर आ गया था, तो ये उनका कुछ साइन हुआ था, उसके बाद से चाइना में है। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन माना जाता है ये एक तरह से। मकाऊ SAR जैसे हांगकांग SAR है, वैसे ही सेम। तो मकाऊ के लिए क्या इंडियंस को एक्चुअली में वीजा चाहिए? पहले मेन बात तो इंडियंस को वीजा नहीं चाहिए मकाऊ में। सबसे बढ़िया बात है कुछ 81 कंट्रीज, चंद कंट्रीज है जो इंडियन पासपोर्ट पे फ्री में एंट्री देती हैं, फ्री वीजा होता है उसमें, या वीजा ऑन अराइवल होता है बेसिकली। उसमें से एक दो कंट्रीज हैं ये मकाऊ और हांगकांग। मकाऊ के लिए आपको कोई वीजा नहीं चाहिए। अगर 30 दिन के लिए जा रहे हो तो कोई भी वीजा नहीं चाहिए। उससे ज्यादा के लिए जाते हो तो अप्लाई करना पड़ेगा एम्बेसी या चाइनीज वेबसाइट के थ्रू या वट एवर इट इज, उसके थ्रू अलग। पर हम बात करने वाले कि आप 30 दिन से कम के लिए जा रहे हो एंड आप टूरिस्ट है, तो आपको क्या क्या चाहिए। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर 30 दिन से कम के लिए जा रहे हो तो कोई वीजा नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, पासपोर्ट होल्डर होने चाहिए। दूसरा कुछ चीजें हैं जो आपको मेनली यहाँ पे होनी चाहिए। पासपोर्ट एक तो होना चाहिए 90 डेज की वैलिडिटी से ज्यादा, थोड़ा सा 90 दिन तक पासपोर्ट एक्सपायर नहीं होना चाहिए बेसिकली। आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथराइजेशन है ट्रिप की, वो आपको अराइवल पे मिलेगी, वो आपको लेना है वहां पे मकाऊ से, मकाऊ के अराइवल पे लेना है जब भी आप पहुंचोगे मकाऊ स्पेशल रजिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के लिए। तो वो चाहिए होता है जो वहां पे जाके मिलेगा। यू मस्ट हैव योर ऑनवर्ड और योर रिटर्न टिकट्स। मेन चीज है कि आगे जाने की या वापस आने की टिकट्स होनी चाहिए अपने टाइम के बाद। दूसरा थोड़ी सी आइटनरी बना के जाना कि यहाँ पे जाऊंगा, वहां पे जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मतलब अपने लिए थोड़ा सा प्लान करके तो ऑब्वियसली जाओगे ना, होटल बुकिंग करोगे, वो सब वैसे दिखाने की जरूरत नहीं है। बट इफ आस्क्ड ऑन अराइवल तो वो दिखानी पड़ सकती है, तो वो दिखा देना। वैसे तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको होटल पूछ सकते हैं यो, बट पूछ सकते हैं ये नहीं। बट अगर आपको चाहिए होटल, मतलब अगर आपको होटल आपने बुक किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, उसको वहां पे दिखा सकते हो अगर इफ आस्क्ड। उसके बाद की चीज जो आपको मेनली चाहिए वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो थोड़ा सा वहां पे ट्रिकी तो नहीं है बट थोड़ा सा, मतलब ये वहां पे माना नहीं जाता ना पूछते हैं, बट कभी भी पूछ सकते हैं। इनके उसमें डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि अगर 7 दिन के लिए आ रहे हो तो 52,000 रुपये होने चाहिए, जो कि बेसिकली मकाऊ पटाका 5,000 होते हैं बेसिकली, वो होने चाहिए। जो करेंसी ऊपर नीचे हो तो चेंज कर सकते हो, मतलब उसके हिसाब से 10-15 100-150-300-400 रुपये ऊपर नीचे अपने आप डाल लेना तो वो सही रहेगा। वैसे तो ज्यादा ही डाल के जाना। अगर आपके 8 से 14 दिन का स्टे है तो आपको चाहिए 1,04,000 रुपये। तो ऐसे ऐसे वो बढ़ते रहते हैं, तो अपना देख के जाओ कितने दिनों का है और वो फाइनेंशियल वो है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? पासपोर्ट साइज फोटोज 2 लेके चले जाना। वहां पे क्या होता है, कभी भी कहीं पे भी जरूरत पड़ सकती है जो आपको लगानी पड़े, तो वो 2 लेके चले जाना, वहां पे उसका फायदा ही होगा, कोई खराबी नहीं होती पासपोर्ट साइज फोटो कभी भी रखने में, तो वो लेके जाओ। एंड लास्ट चीज जो मैं कहूंगा कि ऑप्शनल है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही ऑप्शनल चीज़ है, कहीं जा रहे हो बाहर तो वहाँ पे कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो बहुत ही महंगा होता है, इसलिए ट्राई करना कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस डाल के लेके जाएं, मतलब ऑनलाइन ही खरीद लें, बहुत सस्ते अलग अलग जगहों से मिल जाते हैं, तो वो आप ले सकते हो। एंड लास्ट चीज, अब ये तो हो गया सारा मकाऊ का, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। डायरेक्ट फ्लाइट लो, लैंड करो, ऑथराइजेशन लो और चीजें दिखाओ और चलो अपना काम करो और आराम से मजे करो, घूम के आओ। बहुत सारी चीजें हैं, कैसीनोज हैं, रिजॉर्ट्स हैं, बहुत फेमस है, इकोनॉमिकली बहुत ही बढ़िया है मकाऊ और बहुत फेमस है। वहां पे कैसीनोज का बहुत सिस्टम चल गया, तो वो चीज आप यूज कर सकते हो वहां पे या देख सकते हो। अगर हम हांगकांग की बात करें, उसके लिए चाहिए प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन जो होता है पार फॉर्म, वो यहीं से भर के जाओ। अगर आप कोई जगह जैसे साउथ में से हो या फिर दिल्ली से हो, मध्य प्रदेश या फिर कोई से स्टेट से हो दूसरे, एक्सेप्ट पंजाब में भी, वहां से आपको बहुत जल्दी आ जाता है, जल्दी आ जाता है एक्सेप्ट पंजाब एंड नॉर्थ ईस्ट। पंजाब एंड नॉर्थ ईस्ट के में थोड़ा सा इशू आता है, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट द इशू इज, कभी कभार रिजेक्ट हो जाता है, तो वो चीज देख के जाना, पहले ही अपना उसको कर लेना। 3 दिन मैक्सिमम लगते हैं पार को आने के लिए। वैसे तो जब आप उसे फिल करते हो तो सब साथ साथ 10 मिनट बाद नोटिफिकेशन स्लिप आ जाती है जो आप यूज कर सकते हो, तो उसके हिसाब से देख के जाना। एंड बहुत ही आसान है, हांगकांग भी घूमो, मकाऊ भी घूमो। हांगकांग से मकाऊ बुलेट ट्रेन लेके जाते हैं लोग या फिर फेरी से जाते हैं, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, तो आप वहां पे बुलेट ट्रेन भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये चीज
सारी की सारी थी मकाऊ और हांगकांग से रिलेटेड। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, देखते रहिए दिव्यांशु डिस्कवर्स, लेट्स गो।